हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी यानी भूगोल के फर्स्ट बुक का चैप्टर वन, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जी हाँ, तो आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी सारे यानी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? जी हाँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मानव भूगोल की परिभाषा दे। जी हाँ, तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको परिभाषा देने के लिए बोला है। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या है। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है। जी हाँ, तो मानव भूगोल क्या है, ये भूगोल की एक मेन ब्रांच है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो मानव भूगोल में क्या किया जाता है, यानी उत्पत्ति से लेकर जो वर्तमान समय में प्रेजेंट में तक जो उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसका हम लोग क्या करते हैं, यानी मानव भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए आप देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहु अनुमोदित परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। जी हाँ, तो और इसका एक अत्यंत लोकप्रिय परिभाषा क्या है, यानी मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो समायोजन का अध्ययन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी मानव भूगोल बोलते हैं। यहाँ पे समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट। जी हाँ, यानी जिस प्रकार जो मानव प्रकृति के साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट करके रह रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी मानव भूगोल बोलते हैं। चलिए देख लेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। जी हाँ, जो मानव भूगोल है वो किस प्रकार जो अन्य है यानी सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन होता है। जी हाँ, तो मानव भूगोल के अंतर्गत किस किस का अध्ययन होता है, यहाँ पे यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो जनांकीय विशेषता है यानी जो विशेषता है उसका क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं। इन विशेषताओं का अध्ययन विशेष रूप से क्रमशः समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और जनांकिकी में किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल इन विषयों से संबंधित है। जी हाँ, तो मानव भूगोल इस विषयों से संबंधित क्यों है, क्योंकि हम लोग मानव यानी जो मानव भूगोल है उसका जो अध्ययन हम लोग किस में यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनांकी के विशेषताओं का अध्ययन तो होता ही है, लेकिन इन विशेषताओं का अध्ययन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी किस किस में करते हैं, यानी समाजशास्त्र में भी करते हैं और अर्थशास्त्र में भी करते हैं और राजनीति शास्त्र में भी करते हैं और जनांकिकी में भी किया जाता है, जिसके कारण जो मानव भूगोल है ये इन सारे विषयों से क्या है, संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, संभववाद क्या है। जी हाँ, यानी जो संभववाद है वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। यानी इस विचारधारा यानी संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। जी हाँ, जो संभववाद है इसके अनुसार जो मनुष्य है जो अपने पर्यावरण है, अपना जो उसका इन्वायरमेंट है उसमें वो परिवर्तन करने में यानी चेंज करने में क्या है, समर्थ है, तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। जी हाँ, यानी प्रकृति दत्त मतलब क्या हो गया, यानी प्रकृति द्वारा दिया हुआ जितने भी सारे प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है उसके अनुसार क्या कर सकता है, अपने इच्छा के अनुसार वो उपयोग कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है। जी हाँ, ये विचारधारा क्या है, मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंध में ये विचारधारा क्या है, मानव केंद्रित है। चलिए तो हम लोगों ने संभववाद देख लिया, संभववाद किसे देखते हैं, किसे कहते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यानी निश्चयवाद। जी हाँ, तो ये संभववाद और निश्चयवाद काफ़ी क्वेश्चन आपके सामने में आता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है निश्चयवाद, किसे कहते हैं, निश्चयवाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। जी हाँ, यानी निश्चयवाद को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चयवाद भी या पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद भी कहते हैं, ये एक क्या है, पुरानी विचारधारा है। जी हाँ, यानी पुराने जमाने के लोगों की विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ। जी हाँ, तो इस विचारधारा के अनुसार जो मानव है वो प्राकृतिक वातावरण से क्या हुआ, अधिक
प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। जी हाँ, यानी उन्होंने क्या किया, प्रकृति के आदेशों के अनुसार, यानी प्रकृति ने जो आदेश दिया उसी के अनुसार अपने आप को उसने क्या किया, ढाल लिया। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, और इसका कारण क्या है कि जो मानव के जो सामाजिक विकास है उसकी जो अवस्था थी वो क्या थी, आदिम थी। जी हाँ, यानी प्राचीन थी। प्राचीन क्यों थी, क्योंकि वो प्रकृति के जो, यानी प्रकृति जो कहता था उसी के आधार पर चलता था, वो प्रकृति से यानी डरता था। और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। जी हाँ, और जो प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी था उसका जो स्तर था, लेवल था, वो काफ़ी निम्न था। इस यानी उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, और उस अवस्था में क्या करता था, जब उसकी टेक्नोलॉजी का जो स्तर था काफ़ी निम्न था उस समय, और जो यह विकास यानी सामाजिक विकास था यानी क्या था, अवस्था काफ़ी आदिम था, तो उस अवस्था में यानी जो मानव था क्या करता था, प्रकृति को सुनता था। जी यानी प्रकृति जो कहता था उसको मानता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत था। जी यानी उसकी जो शक्ति थी उससे क्या था, भयभीत होता था, यानी डरा हुआ होता था, और उसकी पूजा करता था। जी और प्रकृति की क्या करता था, पूजा करता था। इसमें मनुष्य का स्थान गौण था। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया यानी निश्चयवाद किसे कहते हैं, और हम लोगों ने संभववाद भी देख लिया। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखें। मानव विकास के चार प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। जी हाँ, जो मानव विकास है उसके जो चार प्रमुख घटक हैं उसके नाम लिखने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मानव विकास के चार प्रमुख घटक निम्नलिखित है। जी हाँ, तो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है, यानी आपको बोल देगा कि मानव विकास के चार घटकों में प्रमुख घटकों में से एक घटक का यानी डेफिनेशन लिखे, तो हम लोग चारों को एक एक करके देखेंगे ताकि आपको कहीं से भी पूछे तो आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्या है, हम लोग फर्स्ट घटक देखेंगे, समता। जी हाँ, यहाँ पे फर्स्ट यानी घटक क्या है, समता। समता किसे कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना है। तो जो समता है उसका आशय क्या है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, जी हाँ, हर एक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना। लोगों को उपलब्ध अवसर, जी हाँ, यानी लिंग, प्रजाति, आय के भेदभाव के बिना समान होना चाहिए। जी हाँ, और जो लोगों को जो अवसर है, और जो लोगों को जो उपलब्ध अवसर है, और लिंग, प्रजाति, आय के भेदभाव के बिना यानी समान होना चाहिए, यानी सबको बराबर होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे दूसरा घटक क्या है यहाँ पे, सतत पोषणीयता। जी हाँ, सतत पोषणीयता किसे कहते हैं, हम लोग देख लेते हैं। इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। जी हाँ, तो सतत पोषणीयता का मतलब क्या है, यानी जो अवसर है उसकी उपलब्धता में यानी निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हुआ और बाद में ख़त्म हो गया अवसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है, और जो सतत पोषणीयता है मानव विकास के लिए काफ़ी क्या है, आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। जी हाँ, तो ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि अगर सतत पोषणीयता होगा तो क्या होगा, जो प्रत्येक पीढ़ी है उसको समान अवसर मिलेगा। जी हाँ, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी हाँ, और जो सतत पोषणीयता में क्या होना चाहिए, यानी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी यूज़ करते हैं हम लोगों को यानी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ताकि भविष्य में उसको किसी प्रकार की यानी मुसीबतों या किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े, इसलिए हम लोगों को संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला, उत्पादकता। जी हाँ, क्या है अगला में, उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता से है। जी हाँ, तो उत्पादकता का अर्थ क्या है, यानी मानव श्रम उत्पादकता से है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। जी हाँ, कौन सी यानी उत्पादकता, यानी मानव श्रम उत्पादकता में क्या करनी चाहिए, यानी निरंतर वृद्धि करनी चाहिए, लगातार वृद्धि करनी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन है। जी हाँ, अगर हम लोग मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो मानव श्रम है और जो यानी जो जन समुदाय है वो क्या है, राष्ट्र का वास्तविक धन है। जी हाँ, यानी जो रियल धन है वो क्या है, यानी मानव श्रम ही है। जी हाँ, इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास से उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। जी हाँ, अगर क्या करेंगे हम लोग, यानी उत्पादकता यानी मानव श्रम को बढ़ाने के लिए उनके ज्ञान में यानी उनके नॉलेज में क्या करेंगे हम लोग, नॉलेज को बढ़ाएंगे, ताकि उसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ेगी। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे तीसरा घटक, अब चौथा घटक देख लेंगे हम लोग, सशक्तिकरण। जी हाँ, सशक्तिकरण किसे कहते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। इसका तात्पर्य है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। तो सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, यानी अपने विकल्प यानी अपने ऑप्शन चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी
चुन सकते हैं। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। जी हाँ, तो सशक्तिकरण कब आएगी? जब उसको यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी और उसकी क्षमता से उसको आएगी। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोक उन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सशक्त होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सुशासन एवं जो लोक उन्मुखी यानी जो लोगों के द्वारा बनाई हुई नीति है उसकी आवश्यकता होती है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अगर आपको क्लास करने में मज़ा आया हो तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के सारे सब्जेक्ट का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर इस सब्जेक्ट का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराइए ताकि मैं यानी क्लास कराऊँ आपका। चलिए, तो यहाँ तक बने रहिएगा, आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।